तो भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह है खालिस्तानियों को लेकर कनाडा का रुख। और इस बीच एक बार फिर खालिस्तानी आतंकी कनाडा की सड़कों पर उतरे, लेकिन इस बार वैसी भीड़ नहीं नजर आई जो अक्सर दिखाई देती है। तो क्या ये समझा जाए कि कनाडा के रहने वाले खालिस्तानियों को ये समझ में आ गया है कि भारत से पंगा आसान नहीं है। निज्जर अर्श डल्ला पर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कनाडा से टेरर गैंग अर्श डल्ला चला रहा था, एनआईए की चार्जशीट में ये खुलासे हुए हैं। देखिए बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, 10 बड़े खुलासे निज्जर और अर्श डल्ला को लेकर। फंडिंग में अर्श डल्ला का जो है नाम सामने आया है, मर्डर टेरर फंडिंग में नाम सामने आया है। अर्श डल्ला जो है आतंकवादी घोषित हुआ है एनआईए की चार्जशीट में, ये बड़े खुलासे हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से एनआईए तमाम बड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है और एक एक करके अब ये नाम सामने आ रहे हैं, एनआईए एटीएस आईबी, देखिए एक बड़ी बैठक भी होने वाली है दिल्ली में। निज्जर का बेहद करीबी बताया जाता है अर्श डल्ला, जो तमाम आतंकी जो कार्रवाई है, जो एक्शन लेती है आतंकी, उनमें ये शामिल रहा है। तो ड्रग्स हथियार तस्करी में डल्ला का नाम सामने आया है और एनआईए की चार्जशीट में ये खुलासे। डल्ला भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है, लालच देकर शूटर्स की भर्ती कर रहा है डल्ला, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही कनाडा में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच अर्श डल्ला की तरफ से दिया जा रहा है। निज्जर जिसकी हत्या कर दी गई उससे इसके करीबी संबंध माने जाते रहे, कनाडा में बैठकर पंजाब से यह अवैध वसूली कर रहा है, हवाला के जरिए भी पंजाब से पैसे भेजे जा रहे हैं। अब इसको लेकर एनआईए की ये बड़े खुलासे सामने आए हैं।